गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम तो खैरियत से हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हों खैर वाफियत से हों, ठीक हों। और जी, सुबह का आगाज़ हो चुका है और रात को काफ़ी बारिश आ गई थी, तेज़ हवा चल रही थी, अंधेरी। मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड भी किया था, मैं आप सबसे शेयर करूँगी कुछ सेकेंड का है। और उसके साथ ही मैं सुबह के काम स्टार्ट करती हूँ, नाश्ता भी बनाना है। तब तक मैं कमरा साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ज़्यादा देर हो जाती है तो कमरा साफ़ करने को भी नहीं करता। कमरे में झाड़ू भी लगाना है। कमरे में झाड़ू दे देती हूँ, बाहर तो हवा क्यों तेज चल रही है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये सफाई मैंने कर दी थी कमरे की, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। ये पत्ते बाहर से आते हैं सारे, मिट्टी कचरा। किचन में झाड़ू देते थे, देख सकते हैं आप मेरा किचन, सुबह सुबह आती हूँ वैसे ही बिखरा पड़ा होता है। मैं सब इसकी सफाई करती हूँ, पहले झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ यहाँ पे सफाई के बाद। नहीं जी, अच्छे से सफाई, कूड़ा उठा देती हूँ, हाथ मुँह धोकर आती हूँ और फिर करती हूँ मैं नाश्ता। जी अब मैं नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ते में मैं पराठे बना रही हूँ और रात का सालन है, और साथ में मैं अंडे फ्राई करती हूँ और फिर हम नाश्ता करते हैं। तो जी, नाश्ता मेरा बन के आ गया था, अब हम नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते के बाद मैंने किचन में आके सारे किचन की सफाई कर दी थी, चूल्हा शलफ और ये सारे बर्तन, और सिंक भी क्लियर हो गया था। और ये पराठे बनाती हूँ तो हर बार ये चकना बेलना जो है ख़राब हो जाता है, इससे चकनाई लग जाती है। बस अब थोड़ी देर में मैं चाय बना लूँगी। हेलो जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? तो जी, ये शाम का टाइम हो रहा है और मौसम भी काफ़ी प्यारा हो रहा है। मैंने सोचा अब शाम की रूटीन स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो बस ये मैंने सब्ज़ी ला के रखी है, ये सब्ज़ी आ गई है, अब मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और साथ में अपने लिए भी कोई मील तैयार करूँगी, क्योंकि आज मैंने खुद के लिए कुछ भी नहीं बनाया था।
मेरा खाना अलग से बनता है। तो सब्ज़ी में आज है आलू बैंगन, और ये मसाला भी मंगवाया है क्योंकि घर पे कोई नहीं होता तो मुश्किल हो जाती है। फिर आलू भी थोड़े ज़्यादा मंगवा लिए हैं, ये हरी मिर्चें हैं, ये टमाटर हैं, और मैं सब्ज़ी भी बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे किचन में। तो जी मैं अपनी मील के लिए तैयार कर रही थी दही पकौड़ी। इसमें मैं पापड़ी और चने नहीं डालूंगी, चने मेरे पास थे नहीं, ये मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च डाली है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ा सा जीरा, और फिर इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। बाकी सामान मैंने तैयार करके रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जाएगा थोड़ा सा जीरा, ये टमाटर और खीरा है, ये छोटा सा प्याज है, ये पकौड़ी है, और ये एक आलू पड़ा था, ये देखें। और बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड करती हूँ, और फिर इसमें दही शामिल कर देती हूँ। तो ये मेरे खाने के लिए तैयार हो जाएगा, मुझे काफ़ी भूख लग रही है। बस अब मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। मैंने चाट मसाला शामिल नहीं किया है, आज मेरा मूड नहीं था। ये हल्की सी लाल मिर्च, और ये बहुत फीकी है, ये कश्मीरी रेड मिर्च जैसी है, इसमें कोई तेज़ नहीं है ये मिर्च बिल्कुल भी। और ये छोटी सी हरी मिर्च, और ये बाकी का सामान जो मैंने तैयार करके रखा था। और ये दही जो मैं इसमें अभी शामिल नहीं करूंगी, बस इसे रख देती हूँ। अब मैं थोड़ी देर में अपनी मील लेती हूँ। 5:15 हो रहे हैं, अब मैं फ्री होके आ गई थी, थोड़ी सब्जी की कटिंग रहती थी वो करके आई हूँ, और ये मैं अपनी मील ले आई हूँ। अब मैं खाना खा लेती हूँ, मैंने तकरीबन 1 बजे की मील खाई हुई है, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। कभी कभी तो कुछ समझ में नहीं आता क्या खाऊँ क्या बनाऊँ, 1 दिन 2 दिन 10 दिन की बात थोड़ी है, ये रोज़ का यही प्रॉब्लम है। आज वैसे सालन में तो आलू बैंगन बन रहे हैं, और फिर मैंने कहा तब तक सालन तो खाना तो तैयार होगा, तकरीबन 7:30 बजे तक खाएंगे फैमिली के बाकी लोग। मैंने 1 बजे का खाया हुआ था। ये फ्रिज में रख दूंगी क्योंकि 10 बजे फिर मुझे मील लेनी होगी। ये काफ़ी है मेरे लिए, बस मैं अब खा लेती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ चलते। सालन मैंने बनाना शुरू कर दिया है, और प्याज ब्राउन हो रहा है, बस अब मैं आलू बैंगन का सालन बना लेती हूँ शाम के लिए। सालन तकरीबन भुनाई भी आ गया है, थोड़ा सा हल्का सा पानी लगाया था मैंने, अभी थोड़े सख्त थे, तो बस ये दो ट्रे भर के डाली थी बनी। अब इसकी भुनाई हो रही है, इसे छोड़ देते हैं। तो जी माशाल्लाह से सालन मेरा तैयार हो गया था, और अब मैं इसे डिश आउट करके रख दूँगी क्योंकि मैं अभी से ये कढ़ाई भी धो दूँगी। मैं रात के लिए बर्तन बचा के नहीं रखती, या रात को या सुबह सुबह, ताकि बर्तन ना पड़े हों धोने वाले, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जब भी खाना बनाती हूँ साग के साथ ही धो देती हूँ। अब मैं रोटी बना के रख लेती हूँ, और बस ये मैं 3 रोटियाँ बनाऊँगी, 2 ये और 1 ये पड़ा है पेड़ा। तो जी खाना मैंने टेबल पे लगा दिया था, और मेरे हस्बैंड को काफ़ी भूख लगी थी, आज वो खाना खाने लगे हैं थोड़ा जल्दी। और इसके साथ ही आज के व्लॉग का एंड करते हैं, और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।